हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। मैं नाज़मा आज आपको हिंदी विषय का कक्षा पांचवी का पार्ट एक पढ़ाने वाली हूँ। इसका नाम है हम बच्चे हैं तो क्या। ये एक कविता है, इसके लेखक हैं गोपाल दास नीरज। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। हम भले ही बच्चे हैं पर हमारे हौसले बुलंद हैं। हम किसी भी बुराई, अन्याय अथवा अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान की तस्वीर बदल देंगे। ऐसे ही भाव मन में जगाती इस कविता को आओ पढ़ें। यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रस्तावना दिया हुआ है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ही के जैसे, उनकी बात हो रही है। वो बोल रहे हैं कि हम भले ही छोटे बच्चे हैं लेकिन हमारे हौसले बहुत बड़े हैं, बहुत बुलंद हैं, बहुत ऊंचे हैं। हम किसी भी गलत काम को नहीं सहेंगे। कहीं पर अत्याचार होगा, अन्याय होगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरह सारी बुराइयों को मिटाकर हम क्या करेंगे, हमारा देश जो हिंदुस्तान है उसकी तस्वीर हम बदल के रख देंगे। तो अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। हम बच्चे हैं तो क्या, हम हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे। इंसान है क्या, हम भगवान, दुनिया का भगवान बदल कर छोड़ेंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो अपने बुलंद इरादे बताते हुए, मजबूत इरादे बताते हुए बच्चे क्या बोल रहे हैं, हम बच्चे हैं तो क्या, भले ही हम छोटे हैं, हम हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे। हिंदुस्तान में अभी जितनी भी बुराइयां हैं, अन्याय अत्याचार हो रहा है हमारे देश में, उसको हम बदल कर रख देंगे। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वही तो कल का भविष्य है, कल वही बड़े होंगे और देश की बागडोर वही संभालेंगे। इंसान है क्या, हम दुनिया का भगवान बदल कर छोड़ेंगे। भले ही इंसान क्या चीज है, हम तो भगवान को भी बदलने की ताकत रखते हैं, हम उसे बदल कर ही छोड़ेंगे। क्योंकि जहां पर भगवान के रहते हुए गलत हो रहा है तो फिर क्या मतलब है, हम उन भगवान को बदल देंगे। और हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया में, पूरे देश में हम अच्छाई ही अच्छाई लेकर आएंगे। मुश्किलें हमारी दासी है, आंधी तूफान खिलौने हैं। भूचाल हमारे बिगुल, बर्फ से ढके पहाड़ बिछौने हैं। हम नई क्रांति के दूत, पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे। अब वो बच्चे क्या बोल रहे हैं, अपने मजबूत इरादों का प्रदर्शन करते हुए वो कह रहे हैं, मुश्किलें हमारी दासी है, आंधी तूफान खिलौने हैं। मुश्किलें जो होती है, जो समस्याएं हमारी जिंदगी में आती है, वो क्या है, वो तो हमारी गुलाम है। हम उन समस्याओं के गुलाम नहीं है, वो समस्याएं हमारी गुलाम है, ठीक है, वो हमारे अंडर में काम करती है। आंधी तूफान खिलौने हैं, आंधी तूफान क्या करते हैं, जब आंधी तूफान आते हैं तो उससे सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि आंधी तूफान क्या करता है, सब तरफ तबाही मचा देता है। लेकिन क्योंकि इनके इरादे मजबूत हैं तो ये क्या बोल रहे हैं, आंधी तूफान तो हम जैसे लोगों के लिए क्या है, खिलौने, हम खेलते हैं इनसे तो, और जब हम इनसे खेलते हैं तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। भूचाल हमारे बिगुल, बर्फ से ढके पहाड़ बिछोने हैं। वो सारी मुश्किलों को बताते हुए और वो क्या बोल रहे हैं, भूचाल, भूचाल मतलब होता है भूकंप, जब धरती फट जाती है, धरती हिलने लगती है, तो ये क्या बोल रहे हैं, वो हमारे बिगुल है। बिगुल एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, संगीत का एक वाद्य होता है जिसे बजाया जाता है। बिगुल पुराने जमाने में राजाओं महाराजाओं के टाइम पे ये काम में आता था। तो ये क्या बोल रहे हैं, भूचाल हमारे बिगुल है, भूकंप जो है बिगुल की तरह है। बर्फ से ढके पहाड़ बिछौने हैं, बर्फ कितना ठंडा होता है, बर्फ पे कोई बैठ सकता है, सो सकता है क्या, नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, बर्फ से ढके जो पहाड़ है, मतलब इतनी मुश्किल है लेकिन हम उसमें भी हार नहीं मानेंगे। वो बर्फ से ढके पहाड़ क्या है, बिछौने हैं हमारे लिए, हम उन पे बैठते हैं, सोते हैं, तो ये हमें क्या डराएंगे। हम नई क्रांति के दूत, पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे। वो बोल रहे हैं हम नई क्रांति। अब क्रांति क्या होता है कि जहां पर भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जहां पर भी कोई बुराई है, बुराई के खिलाफ जब हम बहुत बड़े समूह में आवाज उठाते हैं तो वो क्या होता है, क्रांति। तो यह क्या बोल रहे हैं, हम नई क्रांति के दूत हैं, हम सब तरफ क्रांति लेकर आएंगे। ये जितना भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, बुराइयां है, इसको हम खत्म कर देंगे और पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे। कि ये पुराना सिस्टम जो भी चल रहा है गलत काम का, उसे हम खत्म कर देंगे, इसे बदल कर ही हम दम लेंगे। हम देख रहे हैं भूख उग रही है गलियों बाजारों में, है कैद आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में। खुद मिट जाएंगे या यह सब सामान बदल कर छोड़ेंगे। हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते, हम उन्हें हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंस पाते हैं। गर यह न हुआ तो सचमुच तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर भी वो अपने मजबूत इरादों को बताते हुए कह रहे हैं, हम देख रहे हैं भूख उग रही है गलियों बाजारों में, क्योंकि
क्योंकि भूख तो सबकी होती है ना, सबको भूख लगती है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मोटा हो पतला हो, काला गोरा, कोई भी इंसान है, जानवर, सबको भूख लगती है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमने देखी है सब तरफ भूख, बहुत से लोगों को भूख से मरते हुए देखा है। तो ये क्या है, इसको हम क्या करेंगे, हमें इसका भी कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालना है। है कैद आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में, कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनकी किस्मत, कुछ जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो लिखते हैं, वो समझते हैं कि ये जो छोटे लोग हैं ये हमारे गुलाम हैं, और उन्हें बहुत कम पैसे देकर अपने पास काम करने के लिए रख लेते हैं, और इसलिए वो बहुत सी बार भूखे ही रह जाते हैं, उन्हें प्रॉपर खाना भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, खुद मिट जाएंगे या यह सब सामान बदल कर छोड़ेंगे। या तो हम सही काम करते करते खुद खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ये सही काम हम करते ही रहेंगे और ये सब सिस्टम हम बदल कर रख देंगे, ताकि कोई भूख से ना मरे, किसी के साथ अन्याय अत्याचार ना हो। ठीक है, और है हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते, मतलब जिनको थोड़ी सी चीज की भी उम्मीद नहीं है उसको हम बहुत ज्यादा देंगे। जो गरीब लोग है, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें क्या क्या मिल सकता है, हम उन्हें वो दे देंगे। हम उन्हें हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंस पाते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि वो कभी अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, और उन्हें हम बहुत अच्छा जीवन एक देंगे, उसके लिए हम अपना भरसक प्रयास करेंगे। अगर यह ना हुआ तो सचमुच तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे। और अगर हमने ये पूरी कोशिश कर ली फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पाया संभव, तो हम क्या करेंगे, तीर कमान ही बदल कर छोड़ देंगे। तीर कमान मतलब क्या होता है, धनुष बाण, मतलब हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं, अगर इनसे काम नहीं हुआ तो हम कुछ नए अस्त्र शस्त्र लाएंगे और उनसे इन सब सामाजिक बुराइयों को हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसलिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, हम बच्चे हैं तो क्या, हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, हम अपना काम पूरा करेंगे। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिनके अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। इंसान, इंसान अर्थात मनुष्य, दासी, दासी अर्थात सेविका, भूचाल अर्थात भूकंप, बिछौना अर्थात गद्दा या आसन, क्रांति, किसी बुराई के विरुद्ध सामूहिक रूप से आवाज उठाना, फिर है दूत, दूत उसे कहते हैं जो संदेश देने वाला होता है, संदेश पहुंचाने वाला, कैद, कैद मतलब बंद, किस्मत अर्थात भाग्य, फिर है तीर कमान अर्थात धनुष बाण। उम्मीद है आप सबको ये कविता पसंद आई होगी, और इसका जो एक मॉरल मैसेज है, जो नैतिक संदेश है, वो आपको मिला होगा। धन्यवाद।